आप सभी जानते हो, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, भंवर साहब ने भी आपको बताया कि 29 तारीख को चुनाव है। और ये चुनाव इस बात का नहीं है कि डॉक्टर करण सिंह जी कितने महीनों के लिए संसद में जाएंगे, ये चुनाव इस बात का चुनाव है और पूरा हिंदुस्तान इन चुनावों को देख रहा है। ये सरपंच जी का, वार्ड मेंबर का, प्रमुख प्रधान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की संसद का चुनाव है, सिद्धांत का चुनाव है। और दो पार्टी आपस में चुनाव लड़ रही हैं, ये किसी एक जाति या दो बिरादरी का चुनाव नहीं है। चुनाव इस बात का है कि अलवर की जनता, गांव और शहर के लोग, यहाँ के मतदाता किस सोच को पसंद करते हैं। 4 साल तक राज इसमें प्रदेश में बीजेपी का रहा, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी रही, और मैं बड़े गंभीरता से इस बात को बोलता हूं, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बोलता हूं, और कोई अतिशोक्ति नहीं है कि अलवर के लोगों को पीछे मुड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा मुख्यमंत्री जी ने 4 साल से। वो तो जैसा जूली साहब ने कहा, उपचुनाव हुआ, यहाँ के सांसद महोदय परलोक पधार गए, इसलिए चुनाव हो रहा है। जब चुनाव हुआ, सरकार को रिपोर्ट मिली कि यहां बीजेपी लाखों वोट से हार रही है, तो सभी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मुख्यमंत्री यहां पर आई, लगातार सभाएं करी, लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश करी। लेकिन साथियों, आपको निर्णय करना है। अंत में हम लोग भाषण दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उम्मीदवार वोट मांग सकते हैं, निर्णय, अंतिम निर्णय आप लोगों को करना है। आप सब लोग एक एक वोट के धनी हो, एक वोट आपका है, एक वोट टाटा बिरला का है, एक वोट मोदी जी का है, एक वोट हम सबका है। आपके एक एक वोट से परिवर्तन होगा। 8-9 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है। मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि पूरे प्रदेश में आज माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। 8-9 महीने के बाद राजस्थान में कांग्रेस का राज आएगा, आप लोगों का राज आएगा, किसानों का राज आएगा, नौजवानों का राज आएगा, गरीब व्यक्ति का राज आएगा। लेकिन ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, अजमेर में, अलवर में और मांडलगढ़ में। मैं कुछ दिनों अजमेर में प्रचार कर आया हूं, वहां पर भी सरकार की हालत बहुत पतली है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, झोली फैला रहे हैं मंत्री, गांव गांव गली गली जा रहे हैं। जो मंत्री अपनी गाड़ी के कांच के शीशे को नीचे नहीं करते थे, आज घुटनों के बल रेंगकर वहां वोट मांग रहे हैं लोगों से। ये इस बात का प्रतीक है कि जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को 3 जगह भारी बहुमत से जीत हासिल करानी है। लेकिन ये अलवर जो चुनाव हो रहा है, मैं तो ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिक्कत तो है, क्योंकि अजमेर में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये अलवर की आदत समझ नहीं आता। कोई किसी का कान पकड़ रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को धक्के दे रहा है। ये अलवर में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ऐसे बड़बोले बोल बोलते हैं, आप समझ जाओ कितनी घबराहट उनके जहन में है। चुनाव में वोट लाने के लिए किसी भी स्तर की बात वो कर सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं भाजपा के जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए उलूल जुलूल बातें करते हैं। अभी जैसे भंवर साहब ने कहा कि फलाने का टिकट काट दिया, भैया मंच पे जो बैठे हैं हम लोग, टिकट ये भंवर साहब जो टिकट देने वालों में से हैं, टिकट काटने के बाद जो करता है उसे कांग्रेस के बारे में जानकारी नहीं है। और ये कहा कि क्षत्रिय समाज का उन्होंने नुकसान कर दिया भंवर साहब का टिकट काट के। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप क्षत्रिय समाज के इतने हमदर्द हो तो आपने जसवंत सिंह जी का टिकट काटा कि नहीं काटा बाड़मेर में? आज क्या हालात उनकी है? अभी मोदी साहब बाड़मेर गए तो जिस व्यक्ति को, जसवंत सिंह जी बड़े पुराने नेता हैं इस प्रदेश के, उनको पार्टी से निकाला एक बार, फिर टिकट काट दिया, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आज वो कोमा में पड़े हैं दिल्ली में। आज प्रधानमंत्री जी को भी याद आई उनकी, जब बाड़मेर गए रिफाइनरी का शुभारंभ करने, पहले तो शिलान्यास कर चुके सोनिया गांधी जी, दोबारा शुभारंभ करने गए तो वहां पर उनकी बड़ी बड़ी बड़ाइयां करी। हर समाज साथियों, ये सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, और ये समाज, सामाजिक संगठन जब तक बीजेपी को समर्थन देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया काम है, और जैसे ही वो कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं तो उनको बड़ा बोलने शुरू कर देते हैं। इन सब लोगों की मानसिकता को पहचानना है। और अलवर जिले में जो विकास ठप हुआ है कांग्रेस के शासन में, जितेंद्र सिंह जी जब यहां से सांसद थे, कांग्रेस की सरकार,
अब जहां तक बहुमत की बात है, बीजेपी के पास ऐसा बहुमत आया जो आजाद भारत में किसी पार्टी को शायद प्रदेश में मिला नहीं। कहा था कि 15 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, हमने तो नहीं कहा वसुंधरा जी को वादा करने के लिए, उन्होंने हर जगह घूम घूम कर कहा स्वराज संकल्प यात्रा में कि 15 लाख नौकरी हम लोग देंगे। यहां पे इतने नौजवान लोग खड़े हैं, आप में से किसी को नौकरी मिली है क्या? नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, कमी पीछी होती रहती है। नौकरी नहीं दी होगी सरकार ने, लेकिन कम से कम 15 लाख रुपए जमा तो हो गए खातों में सबके, नहीं हुए? देखो झूठ मत बोलना, अगर हो गए तो बता दो, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है, ले लो 15 लाख रुपए। 15 लाख नहीं है तो 7.5 लाख तो आए होंगे, आधे तो दे दिए होंगे। चलो देखो ऐसा है, दिल बड़ा रखना चाहिए, नौकरी नहीं दी, 15 लाख रुपए नहीं खाते में जमा रखा, कोई बात नहीं, कम से कम नरेगा की पेमेंट तो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? नरेगा के पैसे भी नहीं दे रहे, बात तो गलत है। पेंशन तो मिल रही होगी पूरी। अब आप मुझे बताओ, जो सरकार स्कूलों में ताले लगा रही है, अस्पताल में दवाई नहीं है, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, पेंशन मिलती नहीं, राशन मिलता नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आतंकवाद हो रहा है, लोग जहर फैला रहे समाज में, ऐसे लोगों को 29 तारीख को ऐसा जवाब देना है लोकशाही में, चिल्लाने से, चीखने से, पत्थर ईंट मारने से जवाब नहीं मिलता, बटन दबाने से जवाब मिलता है। आप सब लोग 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजो यहाँ से, पूरा हिंदुस्तान ये समझ लेगा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, और अलवर के लोग जिस करवट बैठते हैं हवा उसी तरफ बढ़ती है। इसलिए आप लोगों से करवट निवेदन है, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, झांसे में नहीं आना, ये चुनाव भाजपा से नहीं हो रहा, ये चुनाव सरकार से हो रहा है। बहुत ताकत लगाएंगे, पुलिस का, प्रशासन का दबाव होगा, लालच भी देंगे, भ्रमित भी करेंगे, धमकाएंगे भी, लेकिन आप सब लोगों को अपने भविष्य के लिए, हम सबकी एकता, मजबूती, प्यार, मोहब्बत को बनाए रखने के लिए एकजुटता से काम करना है, और एक एक व्यक्ति को, माता बहन को जाके हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जिता दोगे नहीं जिता दोगे? मैं नारा दूंगा, जोर से चिल्लाना मेरे साथ, पक्का, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यार बहुत धीरे बोला, जोर से बोलना, जयपुर तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब एक और देना ताकि मोदी साहब को दिल्ली में सुनाई पड़ जाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।